तो दोस्तों ये कोपागंज यानी ओड़ियाने की ये बाजार है। सामने अगर आप देखेंगे तो हनुमान मंदिर है, उसी के सामने अगर आप देखेंगे तो जामा मस्जिद है, और अगर गाइस ये देखेंगे तो ये थाना जो है मेन रोड है वहाँ से, क्योंकि एक रास्ता अगर आप देखेंगे तो थाने की तरफ चला जाता है और एक रास्ता इधर से आगे को चला जाता है। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, आज से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आ चुका हूँ कोपागंज यानी थाने के पास। थाने के पास एक रास्ता जाता है अंदर भातपुर मोड़ होते हुए ओड़ियाना बाजार तक ये रास्ता जाता है। आपको रास्ते का वो पूरा शानदार नज़ारा दिखाने वाले हैं, और रक्षाबंधन है यहाँ, बहुत सारी राखियाँ वगैरह मिल रही है, और मार्केट का आपको नज़ारा शानदार दिखाएंगे। वहाँ पर जो भातपुर मोड़ से आगे जो बाजार है, बाजार का आपको पूरा शानदार नज़ारा दिखाने वाले हैं। तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अगर आप लोग इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और अगर गाइस ये देखेंगे तो ये थाना मेन रोड है, वहाँ से ये रोड अंदर को जाता है, रात को मोड़ होते हुए ओड़ियाना बाजार तक ये जाने वाला रोड है। मार्केट की अगर बात करूँ तो ये मार्केट बहुत ज़्यादा फेमस है थाना के पास की। यहाँ पर कपड़े से लेकर घर के हर एक सामान यहाँ पर मिलते हैं, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और अभी मैं इसी रोड से ओड़ियाना बाजार में जाऊंगा और बाजार में आपको पूरा दिखाऊंगा कि बाजार में क्या क्या मिलता है और बाजार किस किस दिन लगती है। इस साइड में देख सकते हैं कि सारे सामान वगैरह मिल रहे हैं, कपड़े के जो है ले ज्वेलरी के हो गए, मतलब बहुत सारे यहाँ पर आपको सामान देखने को मिलेंगे। और कुछ इस तरह से इस मार्केट में आपको बहुत शानदार और बहुत ज़्यादा क्राउड आपको देखने को मिलेगा, और सभी लोग आज इस मार्केट में आए हुए हैं। और आज 18 तारीख है और कल रक्षाबंधन है, तो बहुत सारे लोग जो है राखियाँ वगैरह जो है मार्केट से लेने आए हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर राखियाँ वगैरह मिल रही है। गाइस ये देखेंगे तो ये भातपुर मोड़ है, जो एक रास्ता अगर आप देखेंगे तो थाने की तरफ चला जाता है और एक रास्ता इधर से आगे को चला जाता है, और अभी मैं जो है इस रास्ते पर जाने वाला हूँ। ये जो जगह है ये भातपुर मोड़ है, वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको देखने को मिले। और यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर ओड़ियाना बाजार मिलेगी, और कुछ इस तरह से ये ओड़ियाना बाजार में जब आएंगे तो कुछ इस तरह का बहुत ही शानदार आपको नज़ारा दिखेंगे। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं कोपागंज हनुमान चौक के पास, और ये जो जगह देख सकते हैं ये हनुमान चौक है। तो अगर देखेंगे तो कोपागंज की सबसे बड़ी ये मंदिर है, और ये यहाँ की अगर आप देखेंगे इस साइड में तो ये सबसे बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद है, जो कि आप देख सकते हैं। और इस साइड में अगर आप देखेंगे तो ये ओड़ियाना बाजार की तरफ जाने वाला रोड है, तो और ये जो रोड है ये चमन रोड की तरफ जाने वाला रोड है। अगर कहा जाए तो ये कोपागंज की सबसे बड़ी मार्केट है, और इस मार्केट में सभी तरह के आपको सामान मिलेंगे। तो आइए चलते हैं, आपको पूरा जो है ओड़ियाना बाजार का आपको पूरा जो है शानदार नज़ारा दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या मिलता है। और अगर आप लोग कोपागंज में आए, यहाँ पर एक काली जलेबी मिलती है, गन्ने की होती है, तो उसको आप लोग एक बार ज़रूर टेस्ट कर सकते हैं। और ये अगर आप देखेंगे तो ये जाने वाला रोड है। अगर गाइस देखेंगे तो ये ओड़ियाना बाजार है, यहाँ पर संडे का दिन है, और कुछ इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट आज बहुत ज़्यादा क्राउड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जितनी भी सब्जियाँ होती है वो सारी सब्जियाँ जो है इस मार्केट में मिल रही है। सामने अगर आप देखेंगे तो हनुमान मंदिर है, उसी के सामने अगर आप देखेंगे तो जामा मस्जिद है, जो कोपागंज की सबसे बड़ी मस्जिद और सबसे बड़ी मंदिर है, जो कि आमने सामने है। और उसी के सामने ये ओड़ियाना बाजार है, जो कि देख सकते हैं, और ये कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको बहुत ही क्राउड आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये कोपागंज यानी ओड़ियाने की ये बाजार है, यहाँ पर हफ्ते में 3 दिन बाजार लगती है, या बुध के दिन लगती है और जुमा के दिन लगती है, और संडे के दिन यहाँ पे बाजार लगती है। और देख सकते हैं यहाँ पे बाजार लगी हुई है। यहाँ पर इस बाजार में अगर कहा जाए तो सभी तरह के यहाँ पे सामान मिलते हैं, सब्जी के है, राशन के है। और अगर आप इस वाले रास्ते पर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी जो है मछलियाँ वगैरह मिलती है, जो कि आप देख सकते हैं। गाइस देखेंगे तो ये ओड़ियाना बाजार का ये मेन अगर कहा जाए तो मैदान है यानी ग्राउंड है, और देख सकते हैं कि सभी तरह के यहाँ पर जितने भी राशन के सामान होते हैं वो सारे सामान जो है इस मार्केट में मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे गुड़ है, मतलब कुछ इस तरह से यहाँ पर देखेंगे तो जितने भी सामान हो रहे हैं वो सारे सामान मिल रहे हैं। इधर चावल है, चने हैं, सूखे चने हैं, ये सारे जो है यहाँ पर मिलते हैं। और ये ओड़ियाना बाजार की ये बाजार है, जो कि आप देख सकते हैं, और सभी लोग जो है इस मार्केट में दूर दूर से आते हैं। जिस दिन यहाँ पर बाजार लगती है उस दिन ज़्यादा आपको भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा ब्लॉग और आपको ये छोटी सी जानकारी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बताएं कि इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देखते हैं। आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा। और ये जो जगह थी ये हनुमान चौक था, और यहाँ पर यह कुछ इस तरह का जो है आपको बहुत ही शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। और अभी का जो टाइम हो रहा है वो 4 बज रहा है, और 4 बजने के बाद कुछ इस तरह का यहाँ पे बहुत ही शानदार आपको नज़ारा देखने को मिलेगा।